कोलकाता डॉक्टर बेटी मामले में सीबीआई के हाथ अब इस केस की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी लग चुकी है। इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए सीबीआई ने सेमिनार हॉल सहित कई स्थानों पर फोरेंसिक जांच की थी और आखिरकार मुख्य सबूत सेमिनार हॉल के पास बने बाथरूम से बरामद हो चुका है। दोस्तों आपको बता दें कि ये वही वॉशरूम है जिसे घटना के बाद में आरोपी संदीप घोष के निर्देश पर तुड़वा दिया गया था, लेकिन अब सीबीआई को वो महत्वपूर्ण वीडियो सबूत मिल गया है जिसने पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया है। इस मामले में आरोपी संदीप घोष और संजय रॉय समेत चार डॉक्टर, जिसमें दो ट्रेनी डॉक्टर और दो सीनियर डॉक्टर शामिल हैं, सामने आ चुके हैं। साथ ही 8 और 9 अगस्त की रात नाइट शिफ्ट में काम करने वाली नर्स ने भी चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। नर्स के अनुसार उस रात बाथरूम में मिले सुराग के आधार पर ये पता चल गया है कि एक जूनियर डॉक्टर रात में बाथरूम में खून के धब्बे धो रहा था, जबकि बगल के सेमिनार हॉल में ये दुष्कर्म जारी था। लेकिन अब उस डॉक्टर का नाम भी सामने आ चुका है और इस मामले में जो जानकारी सामने आई है उसने सभी को फिर से चौंका कर रख दिया है। अभी तक केवल पुरुष आरोपियों की बात हो रही थी और उनके खिलाफ सबूतों के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन अब इस मामले में एक महिला आरोपी का नाम भी उजागर हुआ है जो कि डॉक्टर बेटी की दोस्त और उसी कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर बताई जा रही है। इसके सामने आने के बाद में मामला अब पूरे तरीके से साफ हो गया है और उस रात वास्तव में क्या हुआ था ये भी पता चल गया है। संजय रॉय, जो पहले लगातार अपने बयान बदल रहा था, इस बार उसने स्पष्ट रूप से चार डॉक्टरों के नाम बताए हैं। सीबीआई भी उसकी इस जानकारी को सुनकर हैरान रह गई। अब तक संजय रॉय किसी का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन अब उसने चार डॉक्टरों का नाम उजागर कर दिया है। इस मामले में सबसे अहम फुटेज भी अब सीबीआई के हाथ लग चुका है, जो मामले को और भी ज्यादा स्पष्ट करता है। वहीं डॉक्टर बेटी की मां ने अपनी बेटी के लिए न्याय की गुहार लगाई है। लोगों का कहना है कि अक्सर ऐसी घटनाओं के बाद में आंदोलन होते हैं, लेकिन समय के साथ लोग भूल जाते हैं। मगर डॉक्टर बेटी की माँ और हमारा चैनल यही चाहता है कि उसे इंसाफ मिले। हम इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम कोलकाता कांड पर तब तक वीडियोस बनाते रहेंगे जब तक बिटिया को इंसाफ न मिल जाए। अगर आप भी डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाने के लिए उसके परिवार के साथ खड़े हैं तो कमेंट्स में वी वांट जस्टिस जरूर से लिखें। दोस्तों अब सीबीआई इस मामले की तह तक पहुंचने के बेहद ही करीब है और जो नई जानकारी सामने आई है वो शायद आपने पहले कभी नहीं सोची होगी। 7 और 8 अगस्त की रात से इस पूरी साजिश की भूमिका तैयार हो चुकी थी, यानी कि इस घटना की योजना पहले से ही बनाई जा रही थी और 8 और 9 अगस्त की रात को इसे अंजाम दिया गया। इस साजिश के बारे में सिर्फ संजय रॉय और संदीप घोष ही नहीं बल्कि चार अन्य डॉक्टर और मोमिता की महिला मित्र, जो इसी कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर थी, वो भी जानती थी। इन सभी ने मिलकर इस दरिंदगी को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया। अब जो नई जानकारी सामने आई है उसे बताने से पहले ये समझना जरूरी है कि इस केस के हर पहलू को ध्यान से समझा जाए। देखिए, ये घटना 8 और 9 अगस्त की शाम लगभग 8 बजे से शुरू होती है। ट्रेनिंग हॉल यानी कि सेमिनार हॉल से ही पूरी घटना की शुरुआत होती है, जहां डॉक्टर बिटिया अपनी महिला दोस्त और कुछ अन्य ट्रेनी दोस्तों के साथ बैठकर खाना खा रही थी। पहले इस मामले में एक महिला डॉक्टर का नाम सामने नहीं आ रहा था, लेकिन अब उसकी पहचान भी हो चुकी है। जानकारी के अनुसार जब मोमिता अपने दोस्तों के साथ में बैठी थी, उस वक्त वो हमेशा की तरह अपनी माँ से भी बात कर रही थी। डॉक्टर बिटिया की माँ ने पहले बयान में कहा था कि वो रोजाना 8 बजे के बाद में अपनी बेटी से वीडियो कॉल पर बात करती थी, लेकिन उस रात उनकी बेटी ने उन्हें कॉल नहीं किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी बेटी को किसी भी मैच या फिर खेल में रुचि ही नहीं थी, तो ये सरासर झूठ है कि वो रात 1 बजे तक बैठकर मैच देख रही थी। अब नई जानकारी सामने आई है कि जब डॉक्टर बिटिया उस दिन खाना खा रही थी तो उसके भोजन में नींद की दवाई मिला दी गई थी ताकि उसे गहरी नींद आ जाए, और वैसा ही हुआ। मोमिता गहरी नींद में चली गई और कहीं जाने की स्थिति में नहीं रही, वो सेमिनार हॉल में ही सो गई। जब वो सो गई तो वहाँ मौजूद ट्रेनी डॉक्टर, जिन्होंने बाद में अपने बयान में बताया था कि वो स्लीप रूम में चले गए थे, पर यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि अगर ये पूरी साजिश पहले से तैयार न होती तो क्या उसके दोस्त उसे एक बार जगाने की कोशिश भी ना करते, क्योंकि उन्हें डॉक्टर बिटिया को उसके कमरे तक पहुंचाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और देर रात इस वारदात को अंजाम दिया गया। अब जो जानकारी सामने आई है वो चौंकाने वाली है। उस रात ड्यूटी पर तैनात नर्स ने लगभग 11 बजे एक ट्रेनी डॉक्टर को बाथरूम की तरफ जाते हुए देखा,
जब नर्स ने उनसे पूछा कि आप सेमिनार हॉल का वॉशरूम क्यों यूज कर रहे हो, तो डॉक्टर ने जवाब दिया कि कमरे 121 के मरीज की सर्जरी के दौरान खून के छींटे उसके ऊपर पड़ गए हैं और वो खून के धब्बों को धोने के लिए नहा रहा है। उस समय नर्स वहीं पर मौजूद थी और उसने ये सब देखा था। अब उस नर्स के बयान ने इस मामले को और भी चौंकाने वाला मोड़ दे दिया है। नर्स का कहना है कि उसने जिस ट्रेनी डॉक्टर को देखा था वो उसे पहचानती नहीं थी और इससे पहले कभी भी उस व्यक्ति को आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में नहीं देखा गया था। इसका मतलब ये है कि जिसे ट्रेनी डॉक्टर बताया जा रहा था वास्तव में उसका उस कॉलेज से कोई भी संबंध नहीं था। ये साफ इशारा करता है कि उस रात कुछ बाहरी लोगों को बुलाकर इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। इसके अलावा ये भी सामने आया कि उस बाथरूम का इस्तेमाल कर उस व्यक्ति ने कई खून के धब्बों को और छींटों को धोया था। इस खुलासे के बाद में संदीप घोष ने बाथरूम को तोड़ने का आदेश दिया ताकि सबूतों को मिटाया जा सके। फुटेज में टूटी हुई दीवारें साफ दिखती हैं कि बाथरूम को पूरे तरीके से नष्ट करने की कोशिश की गई। ये स्पष्ट है कि सबूतों को मिटाने के लिए ही ये सब किया गया था। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या संदीप घोष अकेले ही इस पूरी साजिश को अंजाम दे सकता है। ये नामुमकिन लगता है क्योंकि पहले तो इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया और फिर सबूत मिटाने की कोशिश भी की गई। ये सब अकेले करना संभव नहीं दिखता, जिससे ये साफ है कि इस पूरे मामले में और भी लोग शामिल थे। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अगर सेमिनार हॉल में ये घटना घटी होती तो क्या उस रात वहाँ कोई और मौजूद नहीं था? क्या किसी ने चीखें नहीं सुनी? क्या वहाँ कोई गार्ड ड्यूटी पर नहीं था? अगर ये सब पहले से योजनाबद्ध नहीं था तो उस रात उस फ्लोर पर तैनात गार्ड को छुट्टी क्यों दी गई थी? उसे जानबूझकर छुट्टी पर भेजा गया था ताकि उस जगह पर कोई भी निगरानी ना हो सके। और चौंकाने वाली बात ये भी है कि सेमिनार हॉल के पास में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी वारदात से कुछ दिन पहले ही हटा दिया गया था, जिससे स्पष्ट होता है कि ये पूरी साजिश पहले से ही बारीकी से रची गई थी। सेमिनार हॉल में डॉक्टर बिटिया का रोजाना बैठने का समय भी इन आरोपियों को पहले से ही मालूम था और उसी के आधार पर इन्होंने इस जघन्य घटना को अंजाम दिया। अब जब संदीप घोष इस पूरे मामले में बुरे तरीके से फंस चुका है तो उससे जुड़ी नई और भी भयावह जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं। संदीप घोष पर पहले कुछ ही आरोप लगे थे, लेकिन जब सीबीआई ने उसके फार्म हाउस पर छापा मारा और तहखाने से कई महत्वपूर्ण सबूत सामने निकल कर आए, इनमें 2000 से अधिक सीडी, मेमोरी कार्ड्स और महंगे कैमरों से बनाई गई अश्लील वीडियो शामिल है। इसके अलावा महिला ट्रेनी डॉक्टरों के साथ अश्लील हरकतें, दुर्व्यवहार और शोषण जैसी बातें भी उजागर हुई हैं। सीबीआई ने अब तक 3 स्थानों पर छापे मारे हैं, जिनमें हावड़ा की 2 जगह भी शामिल हैं, जिसमें से एक संदीप घोष के करीबी दोस्त विप्लव सिंह का घर भी है और अब उसका नाम भी इस मामले में सामने आ चुका है। इस जांच के दौरान कई अन्य नाम भी सामने आ रहे हैं। सबसे अहम बात तो ये है कि अब सीबीआई उन 4 डॉक्टरों की भी जांच कर रही है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनमें से 2 ट्रेनी डॉक्टर हैं। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से इन्हें पहले कभी आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में देखा नहीं गया था, जबकि दावा किया जा रहा था कि वो वहीं के ट्रेनी डॉक्टर हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में लिख करके जरूर से बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में महिला डॉक्टर के इंसाफ के लिए वी वांट जस्टिस लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। हम भी यही चाहते हैं कि उस महिला डॉक्टर को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।